हेलो फ्रेंड्स, गणगौर का त्यौहार आने वाला है तो आज हम बनाने वाले हैं गुना। आज हम दो तरह की डिज़ाइन वाले मीठे गुना बनाने वाले हैं। ये डिश नॉर्थ इंडिया में गणगौर के त्यौहार पर बनाई जाती है। गणगौर पर माँ गौरी और शिव भगवान की पूजा की जाती है। यह त्यौहार होली के बाद आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गुना बनाना। हमने यहाँ पर गुना बनाने के लिए 4 कप मैदा लिया है। अब इसमें हम 1 कप घी डालेंगे। इसी कप से मैंने मैदा को नापा था। अब ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही कप लें, कोई भी एक बर्तन लें, उसी से सारी चीज़ें नाप लें। अब हम मैदा में घी को मिला लेंगे। घी और मैदा को अच्छे से मिला लेंगे। ये देखिए हमारा घी मैदा में मिक्स हो चुका है। मोयन को चेक कर लेंगे कि सही क्वांटिटी में डला है या नहीं। हाथ में इस तरह से प्रेस करके देखेंगे। यदि आटा ऐसे बाइंड हो जाता है तो समझिए हमारा मोयन सही क्वांटिटी में डला है। तो अब थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी डालेंगे। पानी को हमने पहले ही थोड़ा सा गुनगुना कर लिया था। आटे को हमें ज़्यादा गीला नहीं करना है, इसका हमें टाइट डो बनाना है। थोड़ा पानी और डाल लेंगे। थोड़ा और डालेंगे। ये देखिए हमारा डो बनकर तैयार हो चुका है। अब इसे हम 15 मिनट प्लेट से ढककर रेस्ट के लिए रख देंगे। 15 मिनट हो चुके हैं, आटे को चेक कर लेते हैं। अब इसे थोड़ा मल लेंगे। ये देखिए आटे को हमने मल लिया है। अब इस आटे को हम 2 भागों में डिवाइड करेंगे। अब इसके पेड़े बना लेंगे। ये देखिए आधे आटे के हमने पेड़े बना लिए हैं। आधे आटे को तोड़कर हम ऐसे ही रख देंगे, इसके पेड़े नहीं बनाएंगे। आज हम 2 तरह के गुना बनाएंगे। जिस आटे के हमने पेड़े बनाए हैं उसकी हम रोटियां बेल लेंगे। तो बेलन पर घी लगाएंगे, इधर भी लगाएंगे। और अब हम रोटी को बेल लेंगे। रोटी की थिकनेस को हमें ना तो ज़्यादा मोटा करना है और ना ही ज़्यादा पतला करना है। देखिए रोटी को हमने बेल लिया है। अब हम इसे नाइफ से कट करेंगे। अब हम रोटी की कटी हुई लेयर को उंगली में ऐसे लपेट कर फिंगर और थंब के बीच में प्रेस करके बाकी बचे हुए आटे की लेयर को तोड़ लेंगे। ये देखिए अच्छे से दबा देना है इसको, ये देखिए, ताकि अच्छे से जॉइंट हो जाए।
ये देखिए बन गया हमारा गुना। इसी तरह से हम दूसरी लेयर को भी ऐसे ही दबाकर जॉइंट कर देंगे। ये देखिए अभी हमें सारे लेयर्स को इसी तरह का डिज़ाइन देना है। यदि हम जॉइंट्स को अच्छे से नहीं दबाएंगे तो ये फ्राई करते टाइम खुल जाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने छोटे गुना बना लिए हैं। अब हम दूसरी डिज़ाइन वाले गुना बनाएंगे। डो में से हमने आटे को तोड़ा था तो हमने उस टाइम पेड़े नहीं बनाए थे, क्योंकि उस समय यदि हम पेड़े बना देते तो वो सूख चुके होते। अब हम इसके पेड़े बनाएंगे। अब हम दूसरी डिज़ाइन का गुना बनाएंगे। गुना बनाने के लिए हमें बीच में ऐसा होल बनाना है, फिर हम इसे धीरे धीरे बड़ा करते जाएंगे। ये देखिए इस तरीके से खींचते हुए जाएंगे। ये देखिए थोड़ा और बढ़ाएंगे। अब हम इस पर डिज़ाइन बनाएंगे। एक एक इंच की दूरी पर हम ऐसा डिज़ाइन बनाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा दूसरा डिज़ाइन भी तैयार है। अब हम बाकी की पेड़ों का भी ऐसा ही डिज़ाइन बना लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे ये गुना भी तैयार हो चुके हैं। अब हम इन्हें फ्राई कर लेते हैं। घी को हमने पहले ही कढ़ाई में गर्म होने के लिए रख दिया था। गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम कर लेते हैं। अब हम घी को चेक कर लेते हैं कि घी हमारा गर्म हुआ है या नहीं। आटे का एक छोटा सा टुकड़ा डालेंगे। ये देखिए घी गर्म होने की पहचान यही है कि देखिए आटा ऊपर तल कर आ जाएगा। पहले हम छोटे गुने फ्राई कर लेते हैं। तो हम धीरे धीरे घी में इन्हें डालेंगे। गैस की फ्लेम को हमें लो टू मीडियम रखना है। अब हम इन्हें थोड़ा चला लेते हैं। इन्हें उलट पुलट करना ज़रूरी होता है, नहीं तो ये एक साइड से ज़्यादा सिक जाएंगे। गुना का कलर चेंज होने लगा है। अभी हम इन्हें और फ्राई होने देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे गुना फ्राई हो चुके हैं। इनका हम ज़्यादा डार्क कलर नहीं करेंगे। अब हम इन्हें निकाल लेंगे। अब जो बचे हुए गुना है उन्हें भी हम फ्राई कर लेंगे। थोड़ा फ्राई होने देंगे, उसके बाद ही हम इनको चलाएंगे। चला लेते हैं।
अब हम इन्हें अच्छे से फ्राई होने देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये गुना भी फ्राई हो चुके हैं, अब हम इन्हें निकाल लेंगे। छोटे गुना हमारे फ्राई हो चुके हैं, अब हम बड़े गुना फ्राई कर लेंगे। धीरे से रखेंगे। इन्हें थोड़ी देर के लिए फ्राई होने देते हैं, उसके बाद ही हम इन्हें पलटेंगे। अब हम इन्हें पलट लेंगे। अब हम लो फ्लेम पर इन्हें फ्राई होने देंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारे बड़े गुना भी फ्राई हो चुके हैं, अब इन्हें भी हम निकाल लेते हैं। अब हमारे जो बचे हुए गुना हैं, उन्हें भी फ्राई कर लेंगे। ये भी फ्राई हो चुके हैं, इन्हें भी निकाल लेंगे। गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। जब तक हमारे गुना ठंडे होते हैं, तब तक हम चाशनी बना लेते हैं। चाशनी बनाने के लिए हमने यहाँ पर 4 कप चीनी लिया है, हमने इसी कप से चीनी को नापा है। अब हम इसमें 1 कप पानी डालेंगे। गैस को ऑन कर दिया है, अब हम गैस की फ्लेम को हाई फ्लेम पर रखेंगे। देखिए चीनी मेल्ट होने लगी है, हमें एक तार की चाशनी बनानी है। जब तक चीनी मेल्ट होती है, तब तक हम चलाते रहेंगे। 4 चाशनी में उबाल आ चुका है, 4 चाशनी बनने वाली है। हमें 1 तार की चाशनी बनानी है, 2 तार की नहीं बनानी है। तो हमें 1 तार की चाशनी बनाने के लिए बीच बीच में चेक करते रहना चाहिए, उससे हमें पता चल जाएगा कि हमारी चाशनी तैयार हो चुकी है। चाशनी को एक बोल में थोड़ा सा डालेंगे और ठंडा होने पर चेक करेंगे कि चाशनी में 1 तार बना या नहीं। चेक कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, चाशनी में 1 तार बन गया है, हमारी चाशनी बन चुकी है। ये देखिए, अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। चाशनी को थोड़ा ठंडा होने देंगे, उसके बाद ही हम गुना में चाशनी लगाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, चाशनी ठंडी हो चुकी है, अब हम गुना को चाशनी लगा लेते हैं। सबसे पहले हम बड़े गुना में चाशनी लगाएंगे। अब इन्हें निकाल लेंगे। इन्हें भी लगा लेते हैं। चाशनी जमने लगी है, हमें थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा। अब हम छोटे गुना में चाशनी लगा लेंगे। बीच बीच में चलाते जाएंगे, नहीं तो ये चिपक जाएंगे। अब इन्हें भी हम 1 प्लेट में निकाल लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, गुना बनकर तैयार है। ये देखिए कितने अच्छे बने हैं। आप सब भी इसे गणगौर पर जरूर ट्राई करें और कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे जरूर बताएं कि मेरी रेसिपी आप सभी को कैसी लगी है। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं। थैंक यू।